अहम खबर देंगे आपको। चेयरमैन नैब की तकरीरी पर ओपोजिशन भी मुत्तफिका नाम पर इख्तलाफात का शिकार है। ज़राए के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी के 3 इजलासों में चेयरमैन नैब का नाम तजवीज़ ना हो सका। नून लीग, पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन नैब के लिए एक दूसरे के नाम रद्द कर दिए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे, नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक साजिद। जी सिद्दीक जी, बिल्कुल, चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर अपोजिशन भी जो है वो इख्तलाफात का शिकार है। 3 इजलास स्टीयरिंग कमेटी के हो चुके हैं, लेकिन चेयरमैन नैब का मुतफिका नाम तजवीज नहीं हो सका। जो नाम नून लीग लेकर आई थी उसको पीपल्स पार्टी ने रद्द कर दिया, जो पीपल्स पार्टी लेकर आई थी उसको नून लीग ने रद्द कर दिया। जबकि अपोजिशन की दीगर जमातों की जानब से अभी जो है वो वक्त मांगा गया, उनका कहना है कि वो अपनी क्यादत से मशवरे के साथ नाम देंगे। इस हवाले से जब अपोजिशन के जराये से रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि 1-2 दिन में दोबारा स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, क्योंकि 22 दिसंबर को कौमी सभा है, तो इस इजलास के दौरान दोबारा स्टीयरिंग कमेटी बैठेगी जिसमें हम अपनी जो नाम है उसको अंतिम शक्ल देंगे। ये नाम जो स्टीयरिंग कमेटी है वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भिजवाएगी, और शहबाज शरीफ ये नाम फिर जो है वो सदर ममलकत आरिफ अलवी को भिजवाएंगे। ताहम अभी तक हुकूमत की तरफ से भी कोई नाम चेयरमैन नैब की तकरीर के लिए सदर को तजवीज नहीं किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए सिद्दीक साजिद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।